हेलो एवरीवन, आज हम डेसिमल नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करना सीखेंगे। असेंडिंग, ए फॉर आंट एंड डी फॉर डॉग। आंट क्या होती है? छोटी होती है ना, और डॉग क्या होता है? बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, अब लाइक मेरे पास जो है फोर डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। अब अगर लाइक डेसिमल नंबर्स अगर मैं इसकी बात करूं, लाइक 23.842, सो डेसिमल पॉइंट के इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ही कौन सा होता है? होल नंबर पार्ट, और ये क्या होता है? डेसिमल पार्ट, है ना। अब लाइक अगर आप देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल्स में अब हमें कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पे डेसिमल पार्ट क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है ना, उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। अब लाइक यहाँ पे होल नंबर क्या है? 23। यहाँ पे होल नंबर क्या है? 1। यहाँ पे होल नंबर क्या है? 3। यहाँ पे होल नंबर क्या है? 71। सो तीनों के होल नंबर क्या है? डिफरेंट है ना। सो इन डेसिमल्स नंबर्स में हमारे पास होल नंबर्स क्या है? डिफरेंट। सो हम होल नंबर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। जब हम होल नंबर कंपेयर कर लेंगे तो उसी के बेसिस पे जो है वो डेसिमल नंबर बड़ा हो जाएगा और वो डेसिमल नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। अब सबसे छोटा होल नंबर पार्ट कौन सा है? 23, 1, 3 और 7, 71। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 1। सो 1.82, ये जो डेसिमल है नंबर है, ये सबसे छोटा होगा। अब इसके बाद 23, 3 और 71, सबसे छोटा होल नंबर पार्ट कौन सा है? 3.07, है ना। होल नंबर ही छोटा है तो इट मींस पूरा डेसिमल नंबर ही क्या हो गया? छोटा हो गया। 23 और 71 में से 23, अब ये हो गया 23.842, और फिर उसके बाद हमारे पास हो गया 71.7। ठीक है, सो ये 3 वाला बड़ा है, फिर 23 वाला, और ये 71 वाला सबसे बड़ा। और ये अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन सा था? 71। सो 71.71, फिर उसके बाद 23.842, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है? 3.07, और फिर उसके बाद 1.82 सबसे छोटा। ठीक है, सो अगर डेसिमल नंबर में हमारे पास होल नंबर्स अगर डिफरेंट है तो हम होल नंबर के बेसिस पे ही डेसिमल नंबर बता सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। ओके, अब मेरे पास जो है फोर डेसिमल नंबर्स हैं, और इन फोर डेसिमल नंबर्स में सेम क्या है हमारे पास? होल नंबर पार्ट। लाइक इधर भी 107 है, इधर भी 107 है, 107 है, 107 है, पर डेसिमल पार्ट हमारा डिफरेंट है। पर डेसिमल पार्ट में ये जो डेसिमल्स हैं, यहाँ पे टू डेसिमल्स हैं, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, और यहाँ पे थ्री। सो ये क्या है? अनलाइक डेसिमल्स है। तो हम पहले क्या करेंगे? इनको लाइक डेसिमल्स में बदल देंगे। तो मैक्सिमम कितने हैं? थ्री डेसिमल्स हैं। तो यहाँ पे भी 1, 2, तो 10, 1, 2, 10, 1, 2, 10। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयर क्या करेंगे? लाइक होल नंबर पार्ट तो मतलब कि फोर डेसिमल नंबर्स का सेम है, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल पार्ट को जो है कंपेयर करेंगे। अब देखो 050, 500, 540, 005, तो छोटा क्या है? 005, है ना। सो 107.005। हम सबसे पहले जो है असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े। अब उसके बाद नेक्स्ट 5050 बना, ये 50 है, ये 500 है, 540, तो छोटा क्या हुआ? 50, है ना। सो 107.050, ठीक है। उसके बाद 500, 540 में से छोटा क्या है? 500, 107.500, फिर 107.540। सो ये सबसे बड़ा हुआ, फिर ये, ठीक है, तो ये सबसे छोटा है ये सब। पर जो आंसर आप लिखोगे ओरिजिनल, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लाइक यहाँ पे हमने एक और जीरो लगाया था, यहाँ पे हमने एक और जीरो लगाया था, यहाँ पे। सो जो आंसर है, जो क्वेश्चन में ओरिजिनल डेसिमल नंबर्स थे, उनके अकॉर्डिंगली आप जो है लिखो। ओके, और इसी तरीके से हम जो है क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जो है चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे बड़ा कौन सा है? 50, 500 या 540, 05, 540। सो 107.540, फिर 107.500, फिर 050 या 005, 050, 107.050, फिर उसके बाद 107.005। ये सबसे हो गया हमारा बड़ा,
है ना, इधर आना है। अब इसमें हमने एक्स्ट्रा जीरो कहाँ पे लगाई, यहाँ पे 05 में और 005 में था। तो इस तरीके से हम आंसर जो है ओरिजिनल जो डेसिमल नंबर हमें गिवन थे जितनी प्लेसेस सब उसी के अकॉर्डिंग जो है देखें। ओके, होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।